मैम, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम है सोनिया परिहार। मैं यहाँ गुजर एंड बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल जो क्वारंटीन सेंटर है, यहाँ पर नोडल ऑफिसर अपॉइंट की गई हूँ। मैम, क्या कहेंगे, जिस तरीके से एक क्वारंटाइन सेंटर रखा गया है यहाँ पर, तो कैसी फैसिलिटी दी जा रही है यहाँ? यहाँ पर इनको टाइमली खाना प्रोवाइड हो रहा है, बाकी जो रोज़ेदार हैं उनके लिए सहरी प्रोवाइड हो रही है, उसके अलावा इफ्तियारी यहाँ पर इनको मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट किचन जो है इनको प्रोवाइड कर रहा है फ्रूट्स टाइमली, तो उसके अलावा सैनिटाइजेशन जो है क्वारंटीन सेंटर में मतलब जो है रूटीनली हो रही है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो मैम, किसी चीज़ की इस बीच दिक्कत वगैरह जो यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं, इनकी कोई डिमांड्स को लेकर कुछ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? इनकी जो भी डिमांड्स है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली फुलफ़िल कर रही है, वो सब काम जो है अच्छे से किया जा रहा है। बाकी ये चीज़ है कि जो पर्सन्स हैं यहाँ पर जो क्वारंटीन हो रहे हैं उनको भी प्रॉपरली यहाँ पर कॉपरेट करने की ज़रूरत है। मैम, कितने पेशेंट आज डिस्चार्ज हुए? आज 6 लोग जो है हमने यहाँ से डिस्चार्ज किए हैं। तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो बाकी लोग इस टाइम क्वारंटाइन में हैं? मैं तो उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप प्रॉपरली जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है कॉपरेट कीजिए, और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह के मेजर्स हैं अपना हाइजीन वो प्रॉपरली फॉलो करिए। और यहाँ से मैं इनको ये भी बोलूँगी कि जो लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं उनको 14 डेज़ का जो होम क्वारंटीन है वो प्रॉपरली फॉलो करना है और अपना ध्यान रखें। मेरा नाम यासर हुसैन है। सर, आप कहाँ के हो? मैं तहसील मरमत का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप कब आए थे यहाँ पर? हम 9 तारीख को यहाँ के लिए आए थे और 10 तारीख को हमारा टेस्ट हुआ। कितने बंदे थे आप? हम 4 आए थे जम्मू से। तो कैसा रहा यहाँ पर क्वारंटाइन? क्वारंटाइन में हमारा अच्छा रहा यहाँ पे, टाइम टू टाइम हमें खाना भी मिला यहाँ पे, रोज़ शाम के वक्त इफ्तार के टाइम भी, सहरी के टाइम भी हमें खाना अच्छा मिला, टाइम टू टाइम मिला हमें। किसी चीज़ की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि हमें सब कुछ टाइम टू टाइम मिला और अच्छा रहा यहाँ पे। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और से क्या कैसी फैसिलिटी थी यहाँ पर? बहुत अच्छी थी।